तन दबा दिया, इतने बड़े प्याद से हैरान कर गए। अंदर कर औलाद की कुर्बान कर गए, अंबेडकर औलाद की कुर्बान कर गए। चिंता न की औलाद की सब कुछ दबा दिया, लेकिन दलित समाज का रुतबा बना दिया। जी पाए हम निशान से संविधान कर गए, अंबेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए, अंबेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। बहुत अच्छा और समापन है। बैठे हो आप, बड़ी संख्या में आए। जो इस देश की परिस्थिति है, किसान के अलावा कोई और सड़क पर निकल रहे नहीं रहा। किसान के अलावा हम कह सकते हैं फक्र से कि हम ही जदा कदा निकले हैं। कुछ दिन पहले उसी जंतर मंतर पर जिस दलित लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था, कैंडल मार्च हमने ही निकाला था। उससे पहले इस जो नई संसद बन रही है, इस संसद भवन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर होना चाहिए, उसके लिए भी हम सड़क पर उतरे थे। इसके पहले संविधान बचाने के लिए हम ही सड़क पर उतरे थे। तो हम बार बार सड़क पर उतरते रहते हैं। यह बड़ा मुद्दा है, इसलिए बड़ा मुद्दा है कि रेल को, एयरपोर्ट को, बैंक को, LIC को, सबको ठगी के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, बेईमानी के द्वारा बेचा जा रहा है। एक नया नाम दिया है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, संपत्ति का मुद्रीकरण। जो रेल है या रोड है, जिस रोड पर आप खड़े हैं, ये किसका है? आप सबका है। भले यहाँ पर ये जो सड़क को और दुकान लगाने वाला है, पानी बेचने वाला है, इसने यह भी उपभोग की वस्तु खरीदता है, नमक खरीदता है, दाल खरीदता है, आटा खरीदता है, या छाता खरीदता है, छुरी चाकू जो भी खरीदता है, टीवी खरीदता है, यह भी टैक्स देता है। सबके टैक्स से सरकारी विभाग बने हुए, सरकार की संपत्ति है। ये कोई अंबानी कहे कि मैं टैक्स पेयर हूँ, या कोई बड़ा पूंजी पता है कि हमारे टैक्स से बना हुआ है, ये बेईमानी। जनता का ही एक एक पैसा या जो भी होता है, जो टैक्स देते हैं, वही इकट्ठा होकर के पूंजीपतियों के जेब में जाता है, वही इकट्ठा होकर के सरकार के खजाने में जाता है, उसी से बनता है। ये मिस्टर मोदी को अधिकार नहीं है बेचने का, ये जनता की संपत्ति है। दुर्भाग्य है देश की जनता कि नहीं निकलती। अगर अमेरिका, यूरोप होता तो दूसरे देश की जनता जाकर के इनका गला पकड़ लेती। दूसरे देश में जनता सड़क पर निकलती है, नहीं इस देश की जनता नहीं निकलती। लोग इंतजार करते हैं कि कोई नेता आए, राम सुधीरंजी आए, आलोक जी आए, या रामेश्वर रजौरा जी आए। इस देश की नियत यही रही हजारों वर्ष तक। तो यह देश ऐसा है, वरना इतनी महंगाई हो, लोगों की महंगाई का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा, ज्यादा राहुल जी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, प्रियंका गांधी जी के ऊपर नहीं पड़ रहा, मेरा ख्याल इसमें से बहुत सारे लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा। लेकिन जिनके ऊपर वास्तविक रूप से पड़ा हुआ, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सस्ता होगा तो सबके लिए हमारे लिए नहीं है, नौकरी मिलेगी तो सबके लिए हमारे लिए नहीं है। दुर्भाग्य सामाजिक संरचना इस तरह से, भाग्यवादी समाज, नेतृत्व भी गुलाम समाज है, पीछे चलने वाला समाज है, फिर भी पीछे भी नहीं चल रहे। तो कोशिश किया है कि पीछे लोग चले। शुरुआत आज हमने किया पूरे देश में मुद्रीकरण का विरोध होना चाहिए। आज 80 लाख नौकरियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में खाली हैं। क्या उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सर्वण समाज का भी युवा नहीं आ रहा? चुके उसको धर्म के नशा में सराबोर कर दिया गया है। सबसे ज्यादा अगर खतरे में है तो हिंदू खतरे। गरीब हुआ कौन? हिंदू।
रोजगार किसका जा रहा है? हिंदुओं का। मुसलमान से इस देश में पंचर लगाने का काम करता है, बुनकरी का काम करता है, चमड़े में काम करता है, ज्यादा से ज्यादा ये वहीं पर है। लेकिन इस देश का जो मीडिया का मालिक है, उद्योग चलाने वाला है, इस देश का जो जमींदार है, इस देश का जो उद्योग चलाने वाला है, या इस देश में आईटी कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर है, आयात निर्यात है, इसके मालिक ही तो समान है। लेकिन बर्बाद तो ही हो रहे हैं। आज 70 और 80% जो मझोला व्यापारी है उसका उद्योग बंद हो चुका है। लेकिन धर्म जैसे एक अफीम होता है, जैसा काल मास ने कहा कि इस अफीम को खिला करके चला दिया गया है। हर जगह मैं देखता हूँ कि हिंदू का नुकसान होता है। IIM में 74% प्रोफेसर का पोस्ट खाली है, IIT में 40% से ज्यादा पोस्ट खाली है। IIM में और IIT में सवर के भी बच्चे तो पढ़ते हैं, क्या उनके पर प्रतिकूलन नहीं पड़ा? लेकिन जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के नफरत में पूरे हिंदू समाज को छोड़ दिया गया और समझ नहीं पा रहा, देश बर्बाद हो रहा। मैंने आज ही लिखा कि इस देश का कोई भविष्य नहीं। जब कभी 1000 वर्ष 500 वर्ष बाद जब रिसर्च किया जाएगा इस देश में हम नहीं रहेंगे, तब देखेंगे कि इस देश को किस तरह से बर्बाद किया गया। और आपको मैं बता दूं कि 10-20 साल में यह देश और खड़ा होगा। इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति छोड़ करके विदेश चले जा रहे हैं, पैसा देश में टिक नहीं रहा। केवल अमेरिका को 7000 करोड़ रुपया भारत के छात्रों से मिला है। 7000 करोड़ से उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है। कई छोटे मोटे राज्यों का बजट है। आज संस्थान इतना घटिया हो गए हैं कि अच्छी शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं। 7000 करोड़ में तमाम छोटे मोटे राज्यों का बजट होता, ये हालत कर दिया तो क्या इसमें ब्राह्मण ठाकुर बनिया नहीं पिस रहा? वो भी पिस रहा। आज वो देश छोड़ करके भाग करके विदेश पढ़ने जा रहा। एक देश की बात बता रहा हूँ, 11 लाख छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संस्थान बर्बाद हो चुके हैं। ये बर्बादी का कारण यही लोग हैं। तो सभी के पर असर है। 80 लाख नौकरियों के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ा जा रहा? आज सिविल सर्विसेज में जो 1400-1300 पोस्ट हुआ करती थी घटा करके आधी कर दी गई है, लेकिन बढ़ाने की लड़ाई कोई नहीं लड़ा। हर परीक्षा में बेईमानी हो रही, नीट में बेईमानी हो रही, पर्चा लीक हो रहा है, युवा नहीं लड़ाई लड़ रहा। आप धन्यवाद, आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप आए इतनी बड़ी संख्या में। कम से कम इतिहास रहेगा गवाह कि जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था इस देश में तो कुछ लोग निकले हुए थे देश बचाने के लिए। आज देश बचाने के लिए निकले और इस आंदोलन को और तेज करना चाहिए। और ये जो बुद्धिजीवी है, ये कर्मचारी अधिकारी है, इसको निकल के आना पड़ेगा, क्योंकि काना फूसी यही करता है, समाज को चलाता यही है, पता लगता नहीं लोगों को। इसको निकलना पड़ेगा क्योंकि लाभ इसी ने लिया है। तो ये आंदोलन और तेज होगा। अभी हमारे साथी ओम सुधाका और प्रेम सिंह चौहान जो सुबह से शाम तक कार्यालय में रहते हैं, नव निर्मित अध्यक्ष हुए हैं, इन लोगों का सुझाव है कि कुछ मार्च जरूर 50 कदम तक करेंगे। राजेंद्र छोकर जी हमारे साथ ही, उनका भी बड़ा सस्ता है। बाबूलाल जी भी उपस्थित है हमारे। तो मैं यहाँ पर कुछ 100 कदम 50 कदम तक जरूर चलूंगा। जो एक दस्तूर होता है उस दस्तूर को निभाने के लिए, जैसा मैंने पहले कह चुका था पुलिस से कि हम कोई रास्ता बंद नहीं करेंगे, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम अपने जवान पर कायम रहते हैं। और ये सब जानते हैं कि जब कहीं कभी भी सबके लिए बंद होता है तो हमारे लिए
इजाजत दे देती दिया जाता है, वो जानते हैं कि हम लोग बड़े अनुशासित हैं। तो जब मेरा सम्मान हो करते, हमारा सम्मान हो करते, तो हम उनका भी सम्मान करते हुए कोई लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति हम नहीं यहाँ पर पैदा करेंगे। हम 10 मार्च के लिए आपके लिए आह्वान करते हैं। प्रेमचंद चौहान, परमिंदर जी, बाबूलाल जी, डॉक्टर उमसुदा जी, आप सब लोग आगे चले, अगुवाई करें। अपने हाथों में तख्ती ले लें, अपने हाथों में तख्ती ले लें और जाते वक्त इस तख्ती को जमा कर दीजिएगा, जाते वक्त इस तख्ती को जमा कर दीजिएगा, आगे काम आएगी।